जीके की एक्टिविटी बुक ओपन कर ली सबने? मुझे दिखाएंगे पेज नंबर 5555 सब ओपन करके मैं दिखाएंगे। अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे से तन्वी गंदा भी है तो मुझे बहुत अच्छे से किया एग्जाम। ऑरेंज रेड पिंक ब्लू पर्पल वेरी गुड त्रिशा वेरी गुड शगुन त्रिशा तन्वी वेरी गुड तीनों बने किया मैंने शगुन त्रिशा तन्वी का वेरी गुड। अब सामन अभी कलर सुना दो वेरी गुड सामर वेरी गुड सामर ने व्हाइट कलर भी किया है क्या? ये व्हाइट कलर यस चंद्रांशु वेरी गुड। संस्कार आप भी दिखाइए मैम। संस्कार ने आधा किया करवा के दिखाए मैम बेटा ये तो होमवर्क था ना, क्यों नहीं किया संस्कार ने? मैम ये दिन भर खेलने को मैम अभी सुना कलर यस तन्वी बताइए आप भी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड नीले येलो ऑरेंज ब्लैक रेड बोल दिया था। अच्छा बोल दिया था और पर्पल बोला था PURPLE पर्पल। यस मैम। ओके हम मैच कर सके इधर इधर एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी जैसे अब एक बार और मैं जो बोलूंगी तो और किसी को नहीं बोलना है ठीक है बेटा? मैं शगुन आपको बोला है ना मैंने अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो नहीं बोलना है, पहले से करके बैठ गई है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती ना, बाकी बच्चों को तो करना है ना। ठीक है तो हमें क्या करना है वहां पे देखिए सबसे पहली पिक्चर है सब लोग खाना खा रहे हैं तो खाना सब लोग कहाँ खाते हैं? हमें खाना देखो ये खाना खा रहे हैं कहाँ खाएंगे नहीं देखिए स्नैक्स खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं और सोफे लगे हुए हैं सिर्फ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या हो रहा है ड्रॉइंग रूम देखिए यहाँ पे ड्रॉइंग रूम है ना यहाँ पे भी टेबल रखा है सोफा रखा है तो ये इससे मैच हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ये नहा रहा है शावर ले रहा है देखो क्या है ये शावर कहाँ लेते हैं इसमें बताओ बताओ सुमन को पता है यस बाथरूम में मैच करिए पिक्चर है किचन में खाना बन गया है खाना कुक हो रहा है किचन में
कहाँ होता है? किचन में। यस, तो किचन से मैच करना है। खाना बन रहा है कहाँ? किचन नीचे है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे सब लोग स्लीप, एवरीवन इज स्लीपिंग, सब सो रहे हैं, तो ये किससे मैच होगा? बेडरूम से। वेरी गुड, बेडरूम से। और सब लोग ने डेट डाल ली थी ना ऊपर, सबकी डेट रहनी चाहिए, जिस पर में जो काम है ऊपर डेट रहनी चाहिए, वरना मुझे पता ही नहीं चलता किसने कब कौन सा काम किया। ठीक है, ऐसे मैच करना है। बताएंगे आगे आगे नहीं बोला जाता। मिल द नंबर ऑफ रूम सी यू हैव एट योर नंबर ऑफ रूम हैव टू योर पेशम 5858 मैंने 5858 डाल कर लिया। हां सुन, राइट ऑफ नंबर ऑफ रूम्स यू हैव एट योर होम। आपके घर में कितने बेडरूम्स हैं? बताइए बेडरूम्स हैं, तो जितने जितने आपके घर में बेडरूम्स हैं आप लोग उसके हिसाब से लिखेंगे। मेरे घर में 2 है, इसलिए मैं बेडरूम ऐसे 2 लिख रही हूँ। आपके घर में जितने हैं आप उतना लिखेंगे। त्रिशा 5 लिखेगी, संस्कार के जितने वो लिखेंगे, मोहम्मद के जितने वो लिखेंगे। ठीक है, किचन सबके घर में किचन कितने हैं? किचन 1। मेरे घर में भी 1 है, तो मैं 1 लिखूंगी। सिर्फ 1 है आप लोग उतने। और उसके बाद ड्रॉइंग रूम कितना है? मेरे यहाँ 1 है। लिखना है जैसे नाम डालोगे मेरी आवाज आ रही है सबको? सबने लिख लिए? अब पेज को 5959 खेलना है दिखाना नहीं तो चाहिए। चलो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, सिर्फ तन्वी से मैंने पूछा। तन्वी अपना माइक ओपन करेंगी और कोई नहीं। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके बेटा, शगुन अपना माइक ऑफ करिए बेटा। तन्वी, अब आप ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 5959 पे यहाँ पे एनिमल्स के होम्स बने हुए हैं, तो आपको 1 by 1 करके सारे होम्स के बारे में रीड करना है और बताना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। चलिए। ओके मैम। ऐसे बताइएगा, काओ शेड में रहती है। पहली पिक्चर काओ में, वो शेड की बनी है ना, तो काओ जो है वो शेड में रहती है। अब दूसरी पिक्चर देखिए किसकी है। रहती है और सिस्टम में
मुझे नहीं पता मिला के पढ़ोगे तभी तो। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड बेटा। अब नेक्स्ट सामर्थ, सिर्फ सामर्थ अपना माइक ओपन करेंगे और कोई नहीं। सबका माइक ऑफ हो गया। यस सामर्थ, रीड करिए। रीड करो। काऊ कहाँ रहती है? काऊ रहती है शेड में। शेड, शेड की स्पेलिंग पढ़ो। स्पेलिंग पढ़ो। H H E D B। हाँ। Next। स्टेबल की पढ़ो। हॉट। स्टेबल। S T A D L E। Next। Bird, bird कहाँ रहती है? Bird। Bird का पढ़ो। वेट करिए बेटा, आप एक तो इतना लेट आई है, फिर कोई और पढ़ रहा है उसका ऐसे डिस्टर्ब नहीं करिए, वेट करिए। रेड कहाँ रहता है? रेड होल में रहता है। रेड होल का पढ़ो। एच ओ एल E, hole. Hen कहाँ रहती है? Pop. Hen का पढ़ो। अपने करें बात। Sip में रोपी। हाँ। Sip कहाँ रहती है? Pin. Sip का पढ़ो। P E N. अच्छा। Pin. Lion कहाँ रहता है? Den. Lion का पढ़ो। D E N. Den. अब देखिए इसमें से तो आप काऊ को कहीं भी देखते होंगे तो काऊ जो है वो ऐसे शेड्स बने रहते हैं तो उसी में रहती है, तो काऊ का भी बहुत इजी है याद करना कि शेड में रहती है। बर्ड का आप लोगों को पता ही है कि जो बर्ड है चिड़िया वो पेड़ पे ट्री पे घोंसला लगा के यानी नेस्ट लगा के रहती है, तो बर्ड का भी बहुत इजी है याद करना। उसके बाद डॉग जो है वो केनल में रहता है, छोटा सा जो हाउस रहता है उसको केनल बोलते हैं। रैट जो है अगर आपके घर में कोई होल होगा उसमें आप लोग देखते हैं ना टॉम एंड जेरी, तो जेरी क्या है? जेरी एक रैट है ना, तो जेरी कहाँ रहता था? होल में रहता है ना, तो होल वहां से याद कर लीजिए। लायन जो है वो डेन में रहता है, ये भी बहुत इजी है याद करना। उसके बाद लास्ट बचा हॉर्स का, हेन और शीप का, वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है रिमझिम। यस मैम। बेटा इतने लेट क्यों आए आप? क्या कर रही थी अब तक? काऊ हॉर्स। काऊ हॉर्स, ये हॉर्स है। एच ओ आर निकालिए जल्दी से। कौन वाली? एच ये वाली। एच ई एल हैन का घर। ये नहीं बेटा, दूसरी है। एच एच डबल ई संस्कार। देखो मैं क्या कर रही हूँ। चलिए बेटा आप रीड करिए। काऊ कहाँ रहती है? चलो बताओ काऊ कहाँ रहती है? पैसा ना हो बोलो यहाँ पर। अभी मैंने बताया ना। ओ शेड। शेड में। शेड की स्पेलिंग। शेड की स्पेलिंग बताओ। H H E D। हाँ एक मिनट संस्कार रुकिए। रिमझिम पेज नंबर पहले 55 ओपन करिए। संस्कार एक मिनट बेटा रुकिए। जल्दी रिमझिम पेज नंबर 55। याद करोगे बाद में? याद करो। जो आपने उस दिन कलर किया था उसको दिखाइए। मैं मैं ओ
ओके गुड रिमझिम. अब पेज नंबर 5757 ओपन करिए रिमझिम. 5 इसको मैच करिए. देखिए सारे बच्चों ने कर लिया, आप भी जल्दी से कर लीजिए. रिमझिम कर लिया आपने, इसको मैच करिए. यस मैम मेरा हुआ है. हो गया है? दिख नहीं रहा है मुझे साफ, लाइट चमक रही है. हाँ ठीक है रिमझिम. ओके अब पेज नंबर 5858 हो गया है आपका. इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में जितने बेडरूम है उतना उस सर्किल में लिखना है. जैसे मेरे घर में 2 bedrooms है तो मैंने वहां 2 लिखा है. मेरे घर में 1 किचन है तो किचन वाले सर्किल में मैंने 1 लिखा है. बाथरूम मेरे घर में 2 है इसलिए बाथरूम वाले सर्किल में 2 लिखा है. ड्रॉइंग रूम मेरे घर में 1 है इसलिए मैंने ड्रॉइंग रूम वाले सर्किल में 1 लिखा है. आपके घर में जितने जितने हैं आप उस हिसाब से लिखिएगा. ओके रिमझिम. मतलब वो लिखेंगे कि अपने कमरे के हिसाब से? मैम जो बुक वो लिखेंगे अपने कमरे के हिसाब से, जो आपके हाउस में जितने रूम्स हैं. हमारे इधर 5 रूम है, 1 रसोई में है, बाथरूम है. 8 रूम है, 1 रसोई. हाँ तो किचन और बाथरूम तो आप उस हिसाब से लिख दीजिए जितने जितने रूम्स हैं. किचन 1 होता है लिखिए. 4 कमरा 4 वो ऊपर 2 मतलब ले लो. 8 एक दुकान कमरा है आपके घर में. 8 है तो 8 लिख लीजिए. बाथरूम आपके घर में जितना है उतना लिख लीजिए. 2 है 2 बाथरूम. चलिए संस्कार रीड करिए रिमझिम, वर्क कंप्लीट करिए. उसके बाद आपको भी रीड करना है नेक्स्ट पेज पे एनिमल के होम्स. चलिए संस्कार रीड करिए. सेकंड वाला बेटा बोलो. हर पेज एक टेबल हर टेबल चलिए संस्कार जल्दी रीड करिए. चलिए रिपीट करिए, बोलिए इसको मैम को सुनाइए. नेस्ट NEST नेस्ट. ये नेस्ट वाला बताओ. डॉग रहता है केनल में. ठीक है रिमझिम नीचे रखिए अभी बुक. होल में हेन कोप में कोप में चीप पेन में पेन डेन में. वेरी गुड संस्कार. अब त्रिशा बताएगी. त्रिशा मैम बताइए. चलिए काओ शेड में. चलो बेटा बोलो बोलो बेटा बोलो. काओ कहाँ रहता है? शेड में. यस हॉर्स स्टेबल में. टेबल में. नेस्ट में. डॉग केनल में. रैट होल में. वेरी गुड. हैन बोलो. कोप कोप शेड. शीप पेन में. शीप
लायन डेन में। वेरी गुड त्रिशा, अब शगुन पढ़ेंगी। शगुन रीड करिए बेटा। चंद्रांशु जल्दी जल्दी क्या लिख रहे हैं बेटा आप? अभी तो मैं राइटिंग वर्क करा ही नहीं रही हूँ। चंद्रांशु क्या लिख रहे हैं? क्यों चंद्रांशु? काउ शेड में रहती है। शेड में, गुड। हॉर्स? टेबल में। टेबल में। टेबल में। बर्ड? नेस्ट में। शगुन मेरे पीछे बोलिए बेटा, बर्ड नेस्ट में। डॉग कैनल में। कैनल हाँ। रैट? होल में। होल में। हेन? कोप में। शीप? पेन में। बोलो यार। शीप लायन डेन में। वेरी गुड शगुन। वेरी गुड। अब रिमझिम रीड करिए पेज नंबर 59 पे। डेड में। डेड में। हॉर्स? केबल में। केबल में। बर्ड? नेस्ट में। बर्ड? नेस्ट में। डॉग? केनल में। डॉग? केनल में। रैट? होल। रैट? होल। हेन? कूप में। हेन? कूप में। शीप? पेन में। शीप? पेन। लायन? डेन में। लायन डन में। तो ये सब क्या है? उनके होम्स है। काओ जो है वो शेड रहता है, शेड में रहती है ना। हॉर्स एक स्टेबल में रहते हैं। बर्ड नेस्ट पे रहती है, घोंसला होता है ना उसको नेस्ट बोलते हैं। और डॉग जो है वो छोटे से हाउस में रहता है, उसको केनल बोलते हैं। रैट कहाँ रहती है? एक होल रहता है उसमें। ठीक है रिमझिम? ऐसे एक होल बना रहता है, एक छेद रहता है, उसी में रहती है। उसके बाद हेन कोप में रहता है। हेन की जो वो पैंट्री होती है उसको कोप बोला जाता है। शीप पेन में। और लायन जो है वो डेन में रहता है। ठीक है रिमझिम? ओके मैम। चंद्रांशु अब आप रीड करिए। चंद्रांशु यस मैम करिए बेटा। काउ रहती है हाँ शेड में। हेन अरे शेड बोलते हैं। शेड SHED शेड हाँ। उसके बाद हॉर्स। हॉर्स रहता है केबिन में। केबिन में। बर्ड रहती है नेस्ट में। वेरी गुड। और डॉग रहता है हाँ केनल में। केनल केनल में। और शिप रहती है पेन में। पेन में। रैट कहाँ रहता है? रैट रहता है होल में। होल में। और हेन रहती है कूप में। कूप में। और लायन रहता है डेन में। ओके अब आपका ये होमवर्क है। नीचे आंसर तो फॉलोइंग दिया हुआ है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहले वाले में रहती है
where does sheep live? तो आप इसमें से खोज के लिखेंगे sheep कहाँ रहती है. Next है kennel is the home of which animal? तो kennel किस animal का? Kennel कहाँ रहता है? Dog का. D-O-G dog. बोलो. Sheep कहाँ रहती है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए sheep कहाँ रहती है? पेन में. बोलो. और तो पहले वाले का आंसर पेन होगा, पी पेन. दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? कौन सा एनिमल में रहता है? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? थर्ड वाला वेयर डज हॉर्स लिव? कहाँ रहता है? कौन बताएगा? तन्वी आंसर कर रही है. सबको त्रिशा संस्कार सामान वेरी गुड शगुन स्टेबल में. वेरी गुड तन्वी. यस मैम. बताइए कैमल में कौन रहता है? किस एनिमल का होम है? ओ कैमल. यस कैमल में कौन रहता है? मुर्गी हेन रहती है. देखिए सबने ऐसे लिख लिया. डॉग पेन डॉग स्टेबल कैट. देखो मैम देखेंगी खुद से. मैंने बस आपको एक बार बता दिया, आपको खुद से खोज खोज के करना है. बुक के ऊपर दिया हुआ है सब. ठीक है होमवर्क कर लीजिएगा. ओके ओके मैम. बाय 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 मैम. और शगुन पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है? कहानी नहीं. बाय 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 सागर. बाय बाय त्रिशा. बाय तन्वी. बाय रिमझिम. बाय संस्कार. बाय शगुन. बाय.